सो गुड मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार और स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिलोंग, कैपिटल ऑफ मेघालय। और इस तरफ है जीतू भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। और काफी बढ़िया लगा, अभी हम लोग है शिलोंग के गुरुद्वारे में और ये एक रूम है, काफी बढ़िया रूम है। पहले आप लोगों को थोड़ा सा रूम टूर दे देता हूँ। ये बहुत प्यारा सा रूम है, काफी बड़ा है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो करीब कितना लोग रह सकते हैं, 5-6 आराम से रह सकते हैं। हाँ, 300 रुपया में सही है। और सामान वामान हम लोगों का पैकिंग हो चुका है, काफी बढ़िया बैग लगाई इसमें, सही है सारा सामान आ रहा, टेंशन नहीं। हाँ, अभी बढ़िया से रूम को भी क्लीन करता हूँ और नीचे जाके बाइक स्कूटी में सामान पैकिंग कर देते, फिर मिलते। और बाहर का मौसम भी दिखाते हैं, काफ़ी ठंडा ठंडा चिल वेदर हो गया रखा है बाहर का मौसम के लिए। तो गाइस फाइनली बाहर निकल के आ चुके हैं, सामान वामान लेके। और बाहर का अभी आप लोगों को वेदर दिखाता हूँ, मौसम इतना मस्त, पूरा सुहाना मौसम देख सकते हो। ये पूरा कॉलोनी है, काफ़ी बढ़िया मौसम हो के रखा है। तो गाइस ये था गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, और यहाँ पे दोनों भाई का बढ़िया तरह से पैकिंग हो चुका है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से सामान लोड हो चुका है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और इस तरफ ये जीतू भाई का भी देख सकते हो बैग पूरा बढ़िया तरह से, अभी टेंशन नहीं है, बारिश आने से भी भीगेगा नहीं भाई। सही है भाई का बाइक तो काफ़ी मस्त है, होंडा। वाह, माइलेज भी काफ़ी देता है ना, मस्त है। तो गाइस ऐसा कुछ सराउंडिंग है शिलोंग का, बड़ा बाजार का सामने। आज तो संडे है, कोई कोई दुकान बंद है, ज़्यादातर खुला ही है। थोड़ा सा गलत रास्ता आ गया था, अभी फिर वापस ये रास्ता से होते हुए जा रहा हूँ। मौसम तो बहुत ज़्यादा ठंडा, पूरा चिल वेदर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वेदर में राइड करके। और अभी मेन रास्ता में पहुंच गया, थोड़ा सा गली से निकलने पड़ा। यहाँ से राइट जाना है अभी, ये रास्ता आगे आगे जीतू भाई जा रहा है, मैं पीछे पीछे आराम आराम से जा रहा हूँ। तो गाइस अभी यहाँ पे बाइक स्कूटी रुका दियो, और एक्चुअली यहाँ पे एक किराने का दुकान मिला है। अभी यहाँ से चावल और कुछ कुछ ले लेता हूँ, नमक वो सब नहीं है हमारे पास। तो गाइस अभी यहाँ से ये चावल ले रहा हूँ अंकल जी के दुकान से। ये जगह का नाम क्या है अंकल जी? जिंकिंग। जिंकिंग, अच्छा अच्छा। शिलोंग से बाहर आ गए हम? नहीं, अंदर ही है ना, मेन सिटी में। मेन सिटी में हाँ, और धनखेती है और ये जिंकिंग है, आगे नंदुमाई हो गया, उसके बाद हैप्पी वैली, उसके बाद बाजार से अपने निकल जाएंगे। अच्छा, सभी दिखाते ये सब सामान कल नहीं ले पाया तो आज ले लिया हूँ। चीनी, चाय पत्ती, सोयाबीन, ये बर्तन धोने वाला, फिर नमक, और यहाँ पे ये खाएंगे भाई। हो गया अंकल जी। और यहाँ पे चावल बस। भाई सामान वामान लेके निकल के आ चुका हूँ, और इस तरफ देख सकते हो काफ़ी प्यारा खूबसूरत व्यू नज़ारा। यहाँ पे दुकान मिला है, कुछ खा लेता हूँ, चलो। तो गाइस अभी यहाँ पे दुकान मिल चुका है होटल, और यहाँ पे पूरी और रोटी मिल रहे, तो रोटी खाते चलिए। तो गाइस ये रहा गर्मा गर्म रोटी, चलिए अभी खाता हूँ। तो चलिए गाइस बढ़िया से खाना हो चुका है, अभी टेंशन नहीं है, दिन भर शाम को खुद बनाएंगे कहीं पर बढ़िया से लोकेशन में कैंप लगा के, और लोकल सब्ज़ी मिले तो ले लेंगे, फिर बढ़िया से बनाएंगे। पेट्रोल हाफ टैंकी है, सोचा हूँ कि फुल करा लेता हूँ। चलिए घूमने का दुकान है भाई जी। हाँ पूरा मेघालय अभी, लेकिन राशन पर्सन सब डाल रखा है। हाँ सब कुछ जान के रखा है।
टेंट लगाते हैं, कैंप कर कैंप टेंट लगाते हैं ना, खाना उना बनाते हैं खुद। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस है 96.23 और 260 का तेल आ चुका है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शिलोंग का रास्ता और यहाँ के दुकान और गाड़ी वगैरह भी दिखा रहा हूँ। देख सकते हो जोआई सीधा है, वो इस तरफ जोआई जाते हैं, लेकिन हमें शायद नीचे से जाने पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है शिलोंग सिटी का। भाई ये तो गलत जगह आ गया क्या? तो गाइस अभी जिस रास्ते पे हम लोग आ रहे थे हमें डिफेंस वाला एरिया मिल चुका है, लेकिन यहाँ से भी रास्ता है। अभी सर जी थे, बात हुआ, लेकिन यहाँ पे ओनली डिफेंस वाला हुआ है, डिफेंस वाला। तो अभी हमें फिर वापस घूम के जाने पड़ेगा। तो गाइस अभी फिर से आ चुके हैं जोवाई वाला रास्ता, जोवाई जोवाई जाने वाला। तो गाइस अभी ना इतना खूबसूरत बहुत ही प्यारा लोकेशन में आ चुके हैं। सामने तो पहाड़ के ऊपर बादल दिख रहा है, वो काफ़ी मस्त लग रहा है। इस तरफ शिलोंग सिटी का व्यू भी दिख रहा है, दिखाता हूँ रुके, उस तरफ देखिए वो हल्का हल्का से दिखाई दे रहा है। और सामने देखिए वो पहाड़ के ऊपर पूरा बादल कितना प्यारा दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी स्कूटी रख दियो और गूगल मैप का थ्रू आया हो ना यहाँ तक। यहाँ पे भी दो स्कूटी रखा हुआ है, यहाँ पे जीतू भाई का बाइक और आगे एक्चुअली रास्ता ना बंद है, बेम्बो लगा के रखा हुआ है। तो अभी पैदल ही चल रहा हूँ, जाके देखता हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, कितना मीटर दिखा रहा है? सीधा ये रास्ता ना, कितना 140 मीटर दिखा रहा है। अच्छा ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ से दिख भी सकता है ना हमें वाटरफॉल। तो गाइस पता नहीं हमें वाटरफॉल मिले या ना मिले, लेकिन जगह जो है ना बेहतरीन, लाजवाब, जितना तारीफ करे उतना कम लगेगा। गाइस अभी दिखाते, रुकिए मेरे पीछे का नज़ारा देखिए एक बार। इस तरफ ये पूरा बादल यहाँ पे, और सामने एक पहाड़ है, काफ़ी खूबसूरत पहाड़, वहाँ पे भी बादल है, देख सकते हो। ये सामने भी पूरा बादल ही बादल, भाई बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा नेचर को देखता हूँ, खूबसूरत नज़ारे को देखता हूँ। तो चलिए अभी पहुँचते हैं वाटरफॉल और दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो गूगल मैप तो लेके आते हैं लेकिन पता नहीं, और फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ ये वाटरफॉल में। देखते हैं वाटरफॉल देखने को मिलता है कि नहीं। चलिए रास्ता तो लेकिन पूरा पक्का रास्ता है, गाड़ी आना जाना कर सकते हैं, लेकिन बहुत डाउन है और पीछे बंद करके रखा हुआ था बेम्बो से। अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आया, आगे देखता हूँ। चलिए हल्का हल्का सा साउंड तो आ रहा है शायद पानी का, वाटरफॉल का। चलिए लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन है ये रास्ता ना, और वहाँ से देखिए शायद रास्ता बना रहा होगा पहाड़ को काट के, मिट्टी को काट के। भाई बहुत डाउन एरिया है भाई साहब, अगर यहाँ से ना स्कूटी उतरने में भी बहुत मुश्किल होता और चढ़ाई में भी बहुत मुश्किल होता, इतना ज़्यादा डाउन है ये एरिया। और अभी देखिए ना सामने पूरा ढूंढ ही ढूंढ हो गया है भाई, कोई लोग हंस तो रहा है, मतलब सामने वाटरफॉल है, यहाँ से रास्ता है क्या जंगल से? कोई लोकल लोग होंगे। इस तरफ वाटरफॉल का साउंड आ रहा है, इस तरफ से जंगलों के बीच में से भाई, यहाँ पे कहीं पे है। एक्चुअली वहाँ से ना सीढ़ी है और लोग भी नज़र आ रहे हैं, मैं दिखाता हूँ जूम करके। हाँ लोग तो नज़र आया, लग रहा है मेरे को वाटरफॉल पहुँचा देगा। हाँ चलिए,
चलते रहता हूँ अभी, चलते रहते हैं, देखते हैं पहुंच गए ठीक है, नहीं तो भाई बस अपना निकल जाएंगे तेरा पूंजी का और क्या है। हाँ अगर गूगल में अपने घर तो दिखा दिया तो उलझ जाएंगे हम, उलझ जाएंगे है ना। सही है भाई साहब, काफी नीचे आ चुका हूँ और इतना डाउन है ना, देखते हैं। लेकिन पानी का साउंड ना अभी थोड़ा सा ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, और यहाँ से दिखा थोड़ा सा वाटरफॉल दिखा मुझे, लेकिन रास्ता पता नहीं है, काफ़ी दूर है, लेकिन यहाँ से वाटरफॉल दिख गया मुझे। जीतू भाई वाटरफॉल दिखा, हाँ दूर है। हाँ देखिए ना कितना डाउन रास्ता है, देख सकते हो ना। और अभी यहाँ से दिखाते आप लोगों को वाटरफॉल, वो देखिए हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो गाइस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ऊपर, वाटरफॉल को देख गया, वाटरफॉल वहाँ पे। तो अभी देखते हैं जहाँ पे स्कूटी रखा था ना वहाँ से और एक रास्ता था, लेकिन अभी पूरा चढ़ाई करते हुए जाना है, कोई ना आराम आराम से चल लेंगे। चलिए लेकिन ज़्यादा काफ़ी मस्त लगा ना, गूगल में अभी ना कभी कभी धोखा देता है यार। और गाइस काफ़ी दिनों के बाद ना ऐसे ऊंचा जगह में मतलब ट्रैकिंग कर रहा हूँ, और गर्मी लगने लग गया, लेकिन एरिया पूरा ठंडा है फिर भी गर्मी लगने लग गया भाई, पूरा डाउन है देख सकते हो ना। अगर गाड़ी लेके आते स्कूटी तो वो भाई उठा नहीं पाते, हाँ नहीं चलेगा। सांस फूल गया भाई, यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ पे बाइक स्कूटी रख के गया था। यहाँ से भी एक रास्ता है, शायद ये वाला रास्ता जाता होगा क्या वाटरफॉल की ओर, वहाँ तक जाके देखते हैं, शायद रास्ता हो तो चले जाएंगे वाटरफॉल की ओर। काफ़ी ज़्यादा मतलब खोजने पड़ रहे भाई, वाटरफॉल मिल ही नहीं रहा, मिल नहीं रहे, लेकिन नीचे से दिखाई दिया था काफ़ी बढ़िया है। ये तो रास्ता नहीं है पता है, भाई यहाँ से भी रास्ता नहीं है, देख सकते हो ना बन पड़ा हुआ है, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन सामने जो पहाड़ है ना वहाँ से लोग दिखाई दे रहे हैं उतरते हुए, वहाँ से रास्ता है भाई साहब, कहाँ आ गया, यहाँ से तो रास्ता ही नहीं है। नीचे देखता हूँ, नीचे पूरा जंगल एरिया है, यहाँ से मैं जूम करता हूँ, हाँ आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। वो देखिए लोग, वो दिखाई दे रहे हैं ना लोग वहाँ से उतर रहे हैं। तो गाइस अभी बहुत हो गया, बहुत नहा लिया, बस अब जा रहे हैं, जा रहे। और अभी जो वहाँ पे भैया है ना वो बोले कि आगे से जाना पड़ेगा, एक बस्ती है, बस्ती। तो भाई और चक्कर नहीं लगाने वाला हूँ, आगे और बहुत मिलेगा वाटरफॉल। हाँ वो देख लेंगे भाई, ये वाटरफॉल चकरा रही है। तो हाल खराब हो गया, अभी गर्मी लगने लग गया ना, तो और क्या, पूरा पसीना हो गया भाई। अभी दो रुक के चलेंगे, हाँ सुखा के। तो गाइस अभी हम लोग वाटरफॉल देखने गए थे, वो तो देखने को नहीं मिला, अभी जा रहा हूँ जुआई की ओर। और जुआई रास्ते में तो बहुत खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलेगा, वो दिखाएंगे, सीफी वाटरफॉल, रंगसुरी वाटरफॉल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी हाईवे पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से और करीब 2 किलोमीटर जैसा होगा फिर हाईवे पहुँचेंगे बंदा गोभी, मेघालय का बंदा गोभी।
तो गाइस फाइनली पहुंच गया नेशनल हाईवे 6। चलिए ये रास्ता जाता है जोआई, जोआई की ओर। जगह का नाम है मौलोंगगढ़ और यहाँ पे घर देख सकते हो आप लोग, टीना से पूरा कवर किया हुआ रहता है, टीना और लकड़ी। तो ये एरिया में ना बहुत ज़्यादा ठंड होता है। जोआई और 49 किलोमीटर दिखा रहा है और कपड़ा देखिए ऐसे, धूप तो नहीं है लेकिन हवा चलते रहता है, हवा से सूख जाता है कपड़ा। तो गाइस ऐसा कुछ है सराउंडिंग देख सकते हो, और यहाँ पे ये एक दुकान है, यहाँ से शायद हम लोग सब्जी वब्जी ले सकते हैं, दुकान खुला मिल चुका है। और यहाँ पे बाइक स्कूटी रख दिया हो, एक्चुअली इस तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, ठंड ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे एक होटल भी है, अभी चाय पीते हैं चलिए। और यहाँ पे गोलगप्पा भी मिल रहा है, गोलगप्पा मिर्ची वाले होंगे ना। हाँ गोलगप्पा, चाय पी लेता हूँ ना, चाय 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 पीता हूँ, लाल चाय ठीक है, दूध चाय है, हाँ ठीक है बना लीजिए। तो गाइस अभी चाय पी लिया और यहाँ पे ना झालमुरी भी मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रहा था तो अभी झालमुरी ले लिया हूँ, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया। अभी टेस्ट करते हैं आलू मुरी। हाँ चलो, तो गाइस यहाँ का ना झालमुरी थोड़ा सा अलग टेस्ट मिल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे ना ये देख सकते हो लोकल कुछ सब्जी ना डाला हुआ है, तो उसके वजह से थोड़ा सा अलग टेस्ट मिल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो गाइस बढ़िया से चाय पी लिया और अभी चलता हूँ, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो गया। और एक्चुअली ठंडा बहुत ठंडा है ये एरिया में, हवा बहुत ठंडा हो रहा है। ठंडा लग रहा है आपको? हाँ थोड़ा, यहाँ के ठंडा लग, अभी डाउन में आ रहे, बल्कि डाउन में ठंडा नहीं होना चाहिए, यहाँ ठंडा लग रहा है। okay. इधर केले भी अच्छे हैं, केले अच्छा है, आज मैं सोचता हूँ आज फ्रूट लेके खाएंगे शाम को, छोड़ यार खाना रोज खा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे भी मिल जाएगा शायद। हाँ मिलेगा आगे, अभी लेने से ना वो हो जाएगा, आगे ले लेंगे, बहुत दुकान बहुत। ओके बाय बाय। नेशनल हाईवे 6, ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरफ रास्ते के सामने एक फील्ड है, काफ़ी बढ़िया भाई, रास्ता तो ज़बरदस्त रास्ता है। और इस तरफ देखिए पूरा बादल ना जा रहा है भाई, आँखों के सामने उस तरफ जा रहा है, पूरा सफ़ेद बादल से पूरा एरिया कवर हो चुका है, ढक चुका है। ओ माय गॉड क्या खूबसूरत दिख रहा है, देखिए गाइस पत्थर पहाड़, वाह रास्ते, ये घास भी है काफ़ी खूबसूरत, बेहतरीन लग रहा है, बेहतरीन मस्त कलंदर, मस्त 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 कलंदर, मस्त 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 कलंदर। तो गाइस अभी ना हमें खूबसूरत सा व्यू पॉइंट देखने को मिला है, अभी थोड़ा सा पत्थर है, मतलब ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर जाने पड़ेगा, चलिए पहुंचता हूँ, वहाँ से भी रास्ता है, वहाँ से थोड़ा ख़तरनाक है, तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है देख सकते हो, ये रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता है, पहले यहाँ से चलता हूँ ये रास्ता से, फिर ऊपर का व्यू ना इतना खूबसूरत दिखेगा। चलिए देरी नहीं करते, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। ओ भाई भाई तो शॉर्टकट मार के आ गया, सही है, चलिए अभी इसका ऊपर उठते ये पत्थर के ऊपर भाई साहब। ओ माय गॉड भाई साहब, ये देखिए पहले तो ये पत्थर के ऊपर बैठ लेता हूँ बढ़िया से संभाल के। भाई साहब क्या लाजवाब व्यू है यहाँ से, आ जाओ संभाल के। ओके
चढ़ गया रे। कमन कमन बस भाई, पैर फिसला ना तो सड़क पर। हाँ वहाँ पे बैठ दिए। ओके क्या नजारा भाई, वाओ ऑसम। ये है नेशनल हाईवे 6, वहाँ से हम लोग आए हैं। और भाई ऊपर देखिए इतना मस्त नज़र है ऊपर का भी, वहाँ पे दो टावर है और नीचे देखिए वहाँ पे रखा हुआ है बाइक स्कूटी काफ़ी। ये पूरा सीधा है, ये पत्थर गिरने से तो गया। काफ़ी मस्त लगा ये व्यू पॉइंट। खुबलाई। तो गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा अभी जो ये व्यू पॉइंट देखने को मिला ना, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए ऐसे ही पूरा ये ब्लू कलर का फूल देखने को मिला, देखिए खूबसूरत दिख रहा है बहुत। चलिए अभी आगे बढ़ते रहता हूँ, ये सब दुकान है बंद है लेकिन संडे ना उसके लिए बंद है शायद। बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह देखने को मिल रहा है हमें और मन जा रहा है पूरा वीडियो बनाते रहो। अभी देखिए ये ना प्यारा दिख रहा है ना। और गाइस रास्ता भी देखिए कितना क्लीन है ना। भाई साहब सामने का जो व्यू है ना क्या ही बोला जाए। पहले तो इस तरफ देखिए इतना खूबसूरत पूरा वैली लग रहा है वैली। तो और यहाँ पे देखिए इस साइड में पूरा सफ़ेद बादल ही बादल का इस, क्या मस्त लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये सब बादल देखने को मिलता है इन खूबसूरत पहाड़ों के ऊपर, दिल खुश हो जाता है। तो गाइस अभी स्कूटी को वहाँ पे रख दो, सोचा हूँ कि इतना प्यारा सा खूबसूरत सा व्यू है ना, रुका के दिखाता हूँ। चलते चलते उतना अच्छे से दिखता नहीं है। चलिए बहुत खूबसूरत ये नज़ारा सामने का देख सकते हो, पूरा वैली बोल सकते हो, इतना प्यारा दिख रहा है ना भाई साहब। और बादल जो है ना इस तरफ आ रहा है पूरा, क्या खूबसूरत। भैया ये जगह का नाम क्या है, जगह का नाम उम्रा पता नहीं है। उम्रा ये क्या है? खाता है क्या वो? खाता है बोल रहे हैं। खाते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाम नहीं पता इसका। ये फल है कुछ, पता नहीं खाता है ये नहीं। ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये ऐसा कुछ फल है लेकिन खाएंगे तो नहीं, हमें पता नहीं है कौन सा फल है। मैं तो मना कर रहा हूँ जीतू भाई को, ये मत खाओ। खाने का ऐसा भी तो नहीं, ठीक है शायद हो सकता है, मुझे तो पता नहीं, मैं भी पहली बार देखा हूँ। मालिक तो नहीं होगा? नहीं होगा मालिक। तो गाइस ये ना देखने में नाशपाती जैसा लग रहा है लेकिन बहुत छोटा है, पता नहीं क्या है। नाशपाती है भाई साहब, नाशपाती है ये पेड़। अच्छा मतलब अंदर ही निकल पाएंगे, रस रस पी सकते इसको। ओके पक गया, ज्यादा पक गया ना, पक के ना ऊपर पक के पूरा पक गया। अच्छा इसलिए चलो ठीक है। मैं सोचा ब्रश बहुत है ना, मीठा है पूरा। चलो और भाई अभी देखिए अचानक से क्या मस्त नज़ारा हो चुका है पूरा बादल से, भाई पूरा ढक गया यहाँ तक बादल था, अंदर नहीं निकल सकते। ओ अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो गाइस अभी ना 4 बजने वाला है,
और आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो अभी धीरे धीरे रहने का भी मस्त वाला बढ़िया वाला जगह ढूंढेंगे। और सामने ना बादल पूरा रास्ते के बीच में से होते हुए जा रहा है, वो देखिए आगे दिखाई दे रहा होगा। ना मस्त दिख रहा है पहाड़। फुल ऑन नेचर, पूरा नेचर से भरा पड़ा हुआ है, इतना खूबसूरत। एक नंबर है गाइस, एक नंबर। वाओ देखिए ये सब में टेंट लगा के रहने का क्या मस्त लगेगा। सभी यहाँ पे रुके थे सब्जी लेने के लिए, लेकिन सब्जी है नहीं, आगे जाने पड़ेगा अभी। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं जोवाई बाईपास रोड, गुवाहाटी यहां से 129, शिलोंग 35 किलोमीटर है। और ऐसा कुछ है सराउंडिंग देख सकते हैं। और अभी यहां पे एक होटल मिल चुका है, अभी सोच रहा हूँ कि सब्ज़ी तो मतलब मिल नहीं रहा है, मतलब मिला था पहले वहां पे लिया नहीं, और अभी सोच रहा हूँ होटल में खाना खा लेता हूँ। तो अभी खा लेता हूँ, खाने का बाद रहने का भी बंदोबस्त करते हैं, पेट फुल होने से तो टेंशन नहीं रहेगा। यहाँ पे पूछा होटल में, लेकिन रहने का बंदोबस्त नहीं है, कहीं पे खाना खा के आगे जाएंगे, आगे कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो वहाँ पर ये बढ़िया से टेंट लगा के आराम से सो जाएंगे। चलिए तो गाइस ऐसा कुछ है खाने में देख सकते हो, ये कुछ सब्जी और मतलब चटनी बोल सकते हो मिक्स है, और ये और राइस भी देखिए रेड रेड कलर जैसा है, ये शायद आलू का फ्राई है। चलिए खाते हैं, इसमें चिल्ली है। तो गाइस बढ़िया से खाना पीना हो चुका है, और अभी जल्दी जल्दी हमें टेंट लगाने का जगह ढूंढने पड़ेगा। और ये है जगह का नाम, दुबई और 29 किलोमीटर है। चलिए जगह खोजते फिर मिलते हैं। अब देखिए गाइस ये है पूरा लोकल टमाटर मेघालय का, और वहाँ पे खेत है, वहाँ से तोड़ के ले आए भैया लोग। भैया हेलो, क्या नाम है आपका? पेंचकेम। अच्छा, और ये जगह का नाम क्या है? मोर्कनेम। ओके चलिए, मोर्कनेम है ये जगह का नाम। और ये एक्चुअली ना बंद पड़ा हुआ है देख सकते हो, पहले शायद पेट्रोल पंप था ऐसा कुछ है। सामने वो मेन हाईवे है जो आए जाने वाला, तो हमें देखा रास्ते से, फिर आके बातचीत किया भैया लोगों से, बोला आप लोग यहाँ पे आराम से रह सकते हो। तो ठीक है भैया, खुबले। हाँ ओके, तो ठीक है खुबले मीन धन्यवाद। तो सामने देख सकते हो ना वहाँ पे पूरा ये एरिया जो है ये पूरा टमाटर का खेती किया हुआ है, काफ़ी बढ़िया जगह है देख सकते हो। यहाँ पर ही कहीं पे बढ़िया सा जगह में टेंट लगा के सो जाएंगे रात को। चलिए तो गाइस एक्चुअली बाहर तो बहुत जगह है देख सकते हो, लेकिन अभी भैया लोगों ने बोला यहाँ पे लगा सकते हो, अच्छा जगह है, लेकिन थोड़ा सा ना यहाँ पे साफ़ सफाई करने पड़ेगा। देख सकते हो एरिया जो है पूरा ये लकड़ी वगैरह रखा हुआ है, ये सबको क्लीन करने पड़ेगा। और ये आईना ग्लास टूटा उठा है, इसको थोड़ा सा क्लीन करने पड़ेगा। यहाँ पे एक टेंट आ जाएगा ये एरिया में साफ़ करने से, यहाँ पे एक आ जाएगा, और ये एरिया में साफ करने से यहाँ पे भी एक टेंट आ जाएगा। तो चलिए अभी सफाई करता हूँ। तो गाइस अभी देखिए जगह कितना बढ़िया हो चुका है, पहले कैसा था पूरा बढ़िया तरह से सफाई कर दिया दोनों भाई ने मिलके। तो अभी यहाँ पर ही टेंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे, चलिए टेंशन नहीं है। तो गाइस अभी टेंट के अंदर आ चुके और मौसम एकदम मस्त हो रहा है, काफ़ी बढ़िया लगेगा आज का रात। खाली बारिश ना हो, बारिश मतलब ज़ोर से ना हो, नहीं तो ज़ोर से आने से थोड़ा सा पानी अंदर आने का संभावना है। और बाकी इस तरफ देख सकते हो
इस तरफ ये है चादर, चादर को निकाल लियो नीचे बिछा दियो, और जितना सामान है ना बैग से पूरा निकालने पर, चादर पूरा नीचे था ना, ये सब रेनकोट बर्तन सब कुछ निकाल दिया। सही है, चलिए सब कुछ सेट है। और ये है जैकेट, और इसको एक टकिया बना के सो जाता हूँ। तो ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय आय होम, बाय बाय। जीतू भाई जी, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, सामने है जीतू भाई का टेंट।